हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर नॉनसेंस हैकर में। तो दोस्तों, कामयाबी हर किसी को बड़े आसानी से तो नहीं मिल जाती, मगर मैं अपनी कोशिशों में जितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, शायद मुझे कुछ भी अब तक फ़ायदा भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस एक प्रचेष्टा के बारे में आपका जो भी राय है, आप मुझे सीधी तरीके से कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम आने वाले वीडियो में क्या अच्छा कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो हम उसे भी आजमाएंगे और आपको दिखाएंगे। मगर जल्दी से जल्दी अब आप हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंचेगा। तो चलिए बिना आज वक्त गवाए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में क्या है ये तो आप देखने के बाद ही पता चलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है एक जो बल्ब, उसके अंदर का कांच को हमने निकाल दिया है और सिर्फ बाहर वाला जिसे हम टच करते कर सकते हैं सिर्फ उसे ही रखा गया है, जो कि बिना ना टूटी हो। और कुछ गन पाउडर आप यहां देख सकते हैं, जो कि हम फटाकों से निकाली है बस थोड़ा सा ही। और एक हमने यहाँ स्टैंड लिया है जिसके ऊपर हम इस बल्ब को ऐसे रख सकें। और एक रॉकेट आप यहाँ देख सकते हैं, एक रॉकेट हमने लिया है। और दूसरी ओर हमने लिया है एक छोटा सा होममेड लैंप। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर मैं क्या बनाना चाहता हूँ आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बनाना चाहता हूँ होममेड रॉकेट लॉन्चर विद द हेल्प ऑफ गन पाउडर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर नॉनसेंस हैकर को और क्लिक कीजिए ऑल नोटिफिकेशन बेल पे, जिससे कि आपको हमारा हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।
तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो यहाँ हमने गन पाउडर अंदर डाला था, वो ये जो कांच है इसे बिल्कुल पिघला गया है और यहाँ बिल्कुल एक शानदार रोशनी की तरफ वो जल रहा है। तो दोस्तों इन सब के बावजूद भी हमारा जो रॉकेट था वो सीधे यहाँ से ऊपर उड़ के गया और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा केले का पेड़ है सीधे वहाँ जाके गिरा। तो दोस्तों क्या आपने एक चीज नोटिस किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि कांच तो पिघला मगर उसके बाद भी हमारा नीचे का जो हमने होममेड लैंप बनाया था उसका तो वो बहुत ही अच्छा जल रहा है, मगर चलिए पहले इसको बुझा देते हैं। हाँ तो दोस्तों इसको बुझाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल ही जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है और इसके अंदर शायद थोड़ा सा आग चल गया था जिसके लिए इसका हुलिया कुछ बदल गया है और ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का हो गया है। तो दोस्तों आप कोई ना सही, मगर हमारा पिछले हमने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया उन सबसे हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ही शानदार अनुभव के साथ ख़त्म हुआ। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत ही शानदार और एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ हमारा जो ऑल नोटिफिकेशन बेल होता है वहाँ भी क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर और वीडियो के बगल में कमेंट जरूर करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।